नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिएटर्स माइंड कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। लोग पूछते हैं सर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो है क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज क्यों करें। देखिए, कई लोगों का 1-1.5 लाख रुपया सीधे बर्बाद हो रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। कई लोग अभी कहते हैं सर देखिए, हम तो लोन लेके 4 लाख का सेटअप लगवाए थे, लेकिन वो जो है कुछ कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। सर 5 लाख रुपये का सेटअप बर्बाद हो रहा है। सर डिजिटल बोर्ड लिए अभी कुछ सिखाया नहीं है, कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। इसलिए आज आप सभी को बताने वाले हैं क्रिएटर्स माइंड कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रिएटर्स माइंड कंपनी को ही क्यों चूज करना है, आपको क्यों इसी कंपनी से हर एक टीचर्स लेना चाह रहे हैं अभी के समय में। क्योंकि सबसे पहले हम ये चीज़ बताते हैं, कोई भी कंपनी से लीजिए उसका सबसे पहले रिव्यू को देखिए। क्या देखिए? कोई भी कंपनी से, ऐसा नहीं है जो क्रिएटर्स माइंड, कोई भी कंपनी हो ठीक है। क्रिएटर्स माइंड कंपनी का लगभग इंडिया में हर एक जगह ब्रांच है, आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं, आप ये सारा प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बताएंगे इस वीडियो में क्या क्या प्रोडक्ट है, सारा चीज़ों को एंड तक देखिए अच्छे तरीके से ठीक है। तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी को क्यों चूज करें, सबसे पहला जो है कोई भी कंपनी को चूज करने से पहले उसका रिव्यू देखिए, उसका टीम को देखिए। अपने पास क्या है, अभी 50 लोगों का इंटरनल टीम है जो कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है सर? तो सबसे पहले आपको जो है हम लोग स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं। एक स्मार्ट क्लास सेटअप में क्या क्या लगता है, जैसे कि सबसे पहले आता है डिजिटल बोर्ड, दूसरा आता है कैमरा, तीसरा आता है आपका लाइट सेटअप, चौथा आता है आपका माइक्रोफोन और पाँचवा आता है आपका PC। ये सारा चीज़ हम लोग टीम जो है हमारा जाता है और सेटअप करके आपको ट्रेनिंग देता है, सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, तब हमारा टीम आता है। तो हम लोग टीचर्स को क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो टीचर्स एक स्मार्ट क्लास से क्या कर सकते हैं, उससे वो वीडियो बना सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाने से थोड़ी होगा उसको, यदि कोई भी आदमी 4 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं अपना, 3 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं अपना, 1 लाख रुपया अपना खर्च कर रहे हैं, तो वो तो सोचेंगे नहीं, यदि हम 1 लाख खर्च रहे हैं तो 2 लाख आए, 3 लाख आए, तब तो वो मोटिवेट रहेंगे, सारा चीज़ों को करेंगे। तो उसके बाद दूसरा काम आता है आपका एप्लीकेशन। वीडियो बन गया, कोर्स बन के तैयार है, तो अब एप्लीकेशन पर अपलोड कर दीजिए, यहाँ से आपको पैसा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को ऐप बना के भी देते हैं, इसी का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन। तो हम लोग टीचर्स को ऐप बना के भी देते हैं, जहाँ टीचर्स अपना कोर्स को बेच सकते हैं, जहाँ टीचर्स अपना नोट्स को बेच सकते हैं, जहाँ टीचर्स टेस्ट ले सकते हैं। डिजिटल बोर्ड तो आप कहीं से ले लीजिएगा, लेकिन एप्लीकेशन कौन बना के देगा? सर एप्लीकेशन तो हम दूसरा कंपनी से बनवा लेंगे। अब देखिए, वेबसाइट आपको कौन बना के देगा? तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो है आपको वेबसाइट बना के भी देती है। चौथा नंबर की यदि बात की जाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपका मान चलिए ये आपका ऐप है, इसमें आपका कोर्स बन के तैयार है, क्या है, पूरा कोर्स बन के तैयार है। अब दिक्कत क्या आता है, ये कोर्स आपके नज़र में हो सकता है 100 स्टूडेंट होगा या 200 स्टूडेंट होगा या 2000, आप उतना को तो बेच लीजिएगा। लेकिन सर 18 लाख स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, मेरा सिर्फ 100 ही कोर्स टोटल अभी तक सेल हुआ है। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करवाना है, क्योंकि कहा गया है जो दिखता है वो बिकता है। तो हम लोग टीचर्स को डिजिटल मार्केटिंग भी करके देते हैं। अब सर डिजिटल बोर्ड तो ले लिए, ये सारा चीज़ आप करके दे रहे हैं, अब जो है पढ़ाएंगे उसके लिए नोट्स कौन बना के देगा? तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो है नोट्स बना के भी देती है, आपके कोचिंग के नाम से, आपके कोचिंग के लोगो, कोचिंग के वाटरमार्क लगा करके। तो ये सारा सर्विस ये टीचर के लिए है, स्कूल के लिए है, इंस्टीट्यूट के लिए है। यदि आप भी चलाते हैं स्कूल, इंस्टीट्यूट और टीचर हैं, तो आप ये सारा सर्विस क्रिएटर्स माइंड कंपनी से ले सकते हैं। तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी को क्यों चूज करें, समझ गए? सबसे पहला बात आप क्या समझे, जो इसमें सारा चीज़ प्रोवाइड होता है, टीचर्स को एक छत के नीचे सारा चीज़ प्रोवाइड होता है। 50 से अधिक लोगों का अपना टीम है जो कि हर एक पॉइंट पे आपको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अभी नया नया फीचर्स AI आया है, टीचर कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, ये सारा चीज़ों पर हम लोग ये जो है गौर करके अच्छे तरीके से उस पर सारा चीज़ों को सोल्यूशन देते हैं टीचर्स को। साथ ही साथ ये जो 50 से 100 लोगों का हम लोग का टीम है, कुछ लोग जो है आउटसोर्स भी करते हैं, 50 लोगों का इंटरनल टीम है जो कि हम लोग के टीम में काम करते हैं, कुछ लोग बाहर से भी काम करते हैं, कुछ लोग जो है इंस्टॉलेशन बुआ है जो बाहर से भी है, बहुत सारा चीज़, लगभग यदि सबको जोड़ा जाए तो 100+ लोगों का टीम बन जाता है। ये टीम आपको एक चीज़ नहीं, हर एक चीज़ में ग्रो करने के लिए बताती है, क्योंकि यदि आप ग्रो करेंगे तब हम लोग ग्रो कर पाएंगे। और यूथ टीम है, हर एक पॉइंट पे अपना ऑफिस है, यूपी की यदि बात की जाए तो नोएडा में है, बिहार की बात की जाए तो पटना, पूर्णिया, दरभंगा में है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो कोलकाता में, आपको हर एक पॉइंट पे अपना ऑफिस मिल जाएगा, कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी को चूज करने से पहले उसका रिव्यू को देखिए, उसका टीम को देखिए, क्या नॉलेजेबल पर्सन है कि नहीं। कई लोग तो लेके सेटअप बर्बाद हो चुके हैं, हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि नंबर दिया गया है सर ये प्रॉब्लम, और फ्री में हम लोग उसका सॉल्यूशन किए हैं।
कई सारे टीचर्स का, ठीक है। अब पीपीटी बनाना नहीं आ रहा है, 4 लाख का सेटअप ले लिया, उनको कहा गया कमिटमेंट, कहा गया सर 15,000 रुपया दीजिए आपको हर एक ईयर जो है आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, सर 25,000 रुपया दीजिए लाइफ टाइम आपको सर्विस दिया जाएगा, और 25,000 उसका बर्बाद हो गया, एक भी काम उनका नहीं हो पाया। सेटअप भी लगवाए 4 लाख में, 25,000 उस कंपनी को भी अलग से दिए, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो पाया। इसलिए एक ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जिसके पास एक यूथ टीम है। हम लोग के पास एक यूथ टीम है जो कि हर एक नए चीज़ों को रिसर्च करता है, आपके तक पहुँचाता है, समझ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है 9973725719। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर लेना है आपको, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप लोग 24/7 कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है सर जो कॉल वगैरह करते हैं तो बिजी यदि आ रहा है तो हो सकता है कुछ एकदम मिसिंग भी हो जाए, तो आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। ये जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, और अपना नाम, लोकेशन, जो भी पूछना है सवाल, ये समझिए तो आपका एक टेक्निकल साथी है, आपको जो भी सवाल पूछना है आप सिर्फ कहिए सर माइक कौन सा लेना है, सर डिजिटल बोर्ड कौन सा लेना है, सर कैमरा कौन सा लेना है, जो भी चीज़ आपके मन में सवाल है, सर यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलता है इस नंबर पे। इसलिए इस नंबर को सेव कर दीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको पता चल गया होगा क्रिएटर्स माइंड टीम को क्यों चूज करें, क्योंकि हम लोग का 50 से 100 लोगों का टीम है लगभग, ठीक है। 50 लोग कहने का मतलब ये इंटरनल टीम है जो कि अंदर में अपना काम करता है, सारा चीज़ों को समझता है, और कुछ कुछ लोग जो होता है आउटसोर्स करना पड़ता है, तो कुछ कुछ लोग अपना आउटसोर्स मतलब साइड से भी काम करते हैं। तो 50 से 100 लोगों का टीम है, 6 साल का एक्सपीरियंस हम लोग पिछले 6 सालों से टीचर्स के साथ हैं, टीचर्स के पेन को समझते आ रहे हैं, टीचर्स के दर्द को समझते आ रहे हैं। टीचर्स पढ़ाने में सबसे बेहतर है लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसी कारण टीचर्स जो है पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग टीचर्स को बताते हैं, साथ ही साथ हम लोग का नया नया टेक्नोलॉजी का ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, फेसबुक, सोशल मीडिया का ज्ञान, ये सारा चीजों है। हमारा नॉलेजेबल पर्सन हमारे साथ जो कि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से बताता है। इसलिए आप क्रिएटर्स माइंड टीम को सपोर्ट करिए, क्रिएटर्स माइंड टीम को चूज कीजिए, जिससे कि आप भी तरक्की करें और क्रिएटर्स माइंड टीम भी तरक्की करे। तो मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।